सबसे पहले तो भाई मैं आपको नमस्कार करता हूँ सभी पत्रकार भाइयों को और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी आपके दर्शकों तक जंतर मंतर की जो पूर्व सैनिकों की न्यूज जाए, मैं उनसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज एक दूसरे सैनिक भाई के पास में पहुँचाएं, जिससे सैनिक पूरे देश के सैनिकों को पता लगे कि जवानों की जायज मांगों के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए उनके लिए एक धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से जंतर मंतर पे पिछले 10 महीने से चल रहा है। आपका पहला प्रश्न था कि अब क्या चल रहा है सर, अभी सांकेतिक धरना चल रहा है। हम सभी आप जानते हो कि सेना सैनिक हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं और अनुशासन से ही हम अपने न्याय की मांग कर रहे हैं और उसी संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे को दिया है कि अपनी भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता के लिए, सम्मान के लिए, उसी के दायरे में हम बैठे हैं। और अभी 25 नवंबर को भी था जिससे सरकार के पास में तो ये बातें गई हैं, बहुत बड़े लेवल पे गई है और अगर सरकार के पास में नहीं जाती तो ये बातें तो माननीय राज्यपाल को आगे नहीं करती सरकार, तो सरकार को भी कोई ना कोई गुमराह कर रहे हैं, जो रिटायर्ड है या जो डिफेंस की जो लाभी है वो सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, जिससे 75 सालों में पहले भी गुमराह करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर जो जवानों की जायज मांगे हैं उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने के ऊपर फैसला करे और एक अच्छा मैसेज दे पूरे देश को, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी, जो मौजूदा सरकार है जिस पार्टी का, उसको भी नुकसान होगा। और हमने आज तक 10 महीने हो गए, हमने कभी किसी पार्टी की आलोचना नहीं करी, कभी किसी सरकार की नहीं करी, बस अपने संविधान के दायरे में सरकार तक यही मैसेज पहुंचाया कि हम सैनिक हैं, किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं, कि हम किसी पार्टी से आए हुए हैं या किसी पार्टी को हम समर्थन करते हैं, किसी पार्टी की हम आलोचना करते हैं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है। और एक सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने 62-63 करगिल की युद्ध लड़े हैं और इस देश की जो जोड़ी में है जीते दी है, तो वही सैनिक यहाँ पे बैठे। गोपाल सर, आप लोग कपिल सर जो है, आप लोग जो है 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने रेल रोको अभियान भी करा और सफल भी हुआ, सरकार आप लोगों के सामने झुकी भी, आप लोगों का प्रस्ताव भी लेके सरकार से बात करने का आश्वासन दिया, तो कुछ वहाँ से संदेश है सर? अभी तक तो देखो सरकार भी मेरे ख्याल में इलेक्शन में थी, इसके जितने भी नेता थे, अभी इलेक्शन से इनको फुर्सत मिलेगी, अभी भी 2-3 दिन में ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि किसी पार्टी को गम हाथ लगेगा तो किसी को खुशी लगेगी, तो खुशी के नशे में क्या पता 2-4 दिन और बात ना करे, तो 2-4 दिन के बाद में जब वो सड़क पे आएंगे, जब गुले मिलेंगे, तो हो सकता है कि सरकार आगे आए और इसमें करे। अगर आगे नहीं आती तो सैनिकों ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि जब तक घर वापसी नहीं, जब तक हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनती, और बहुत ही छोटी मांग है। आप लोगों का जिक्र जो है राजस्थान चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुले मंचों से जिक्र किया और उन्होंने कुछ पैसों का भी जिक्र करा, 90,000 करोड़ दिया पूर्व सैनिकों को, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो सर, हम इसमें सच्चाई क्या है ये तो श्वेत पत्र ही आके पता लग सकता है कि इसमें सिपाही से होलदार तो क्या मिला, जेसीओ रैंक को क्या मिला और अपर रैंक को क्या मिला, तो एक श्वेत पत्र भी आना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हुआ है ये सिर्फ 4 महीने के अंदर हुआ, जिसमें सबसे पहले अजमेर से कहा गया 65,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़ और फिर अभी राजस्थान में जो कहा गया उसमें 90,000 करोड़ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहा गया। अब ये नहीं पता लग रहा कि मेरे हिसाब से जो आगे चुनाव आएगा 2024 का, तो इस तरह से तो ये 200-400 करोड़ को पार कर जाएंगे, तो ये हमारे तो आ नहीं रही ये बात, हलक से नीचे नहीं उतर रही कि इसमें सच्चाई क्या। हम ये भी नहीं कह रहे कि सरकार ने पैसा नहीं दिया होगा, पर सरकार को दूरदर्शी होकर एक श्वेत पत्र तो दिखाना चाहिए कि हाँ हमने ये पैसा दिया, हम भी यही न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ गया, क्योंकि जवानों को तो इसमें से मिला नहीं। आप लोगों पे लगातार देश की जनता आरोप लगाती रहती है, पूर्व सैनिकों को दे दिया प्रधानमंत्री जी, फिर भी वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे क्या कहें?
सर पूरे देश की जनता तो नहीं लगा सकती आरोप, पूरी देश की जनता लगाती है, तो पूरी देश की जनता से मेरा भी एक सवाल है कि जब ये जनता रात को सोती है तब ये जो इनके भाई हैं जो सैनिक हैं वो ग्लेशियर की माइनस ठंड के अंदर जहाँ हार्ड गल जाते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, ये रेगिस्तान की बॉर्डर पे खड़े रहते हैं जहाँ तपती गर्मी के अंदर लोहा पिंगल के चल पड़ता है, ये जंगलों के अंदर भी रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के ये इनकी सुरक्षा में बॉर्डरों पे रहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई ये नहीं करवा सकते, यहाँ तक इनके घर में किसी भाई बहन की शादी होती तो वहाँ भी ये नहीं पूछ सकते, यहाँ तक माँ बाप कभी भी शांत होता है उसको भी अग्नि नहीं दे सकते। तो सर ये मेरे हिसाब से तो देश की जनता बहुत प्यार करती है सैनिकों से, अगर कोई ऐसी बात है तो यही सवाल है कि हम जब अपना पूरी जिंदगी बॉर्डर पे निकाल सकते हैं तो आज हम न्याय के लिए बैठे और हम किसी प्रधानमंत्री की जेब का पैसा नहीं निकाल रहे, ये पैसा हमारा है, ये देश हमारा है, ये संसाधन हमारे, हम भी तो दे रहे हैं ना टैक्स, हम पूरे सैनिक हैं, टैक्स सर्विसमैन है, तो क्या हो गया टैक्स हम नहीं दे रहे। देश का पूर्व सैनिक ये जानना चाहता है कि उनको खुशखबरी वन रैंक वन पेंशन की जो जंतर मंतर से लड़ाई लड़ी जा रही है उनको खुशखबरी कब तक मिलने की उम्मीद है। सर देखो इसमें तो कुछ नहीं है, हम अपने स्तर पे एक संघर्ष कर रहे हैं और ये तो गर्व की बात है कि हम कहाँ निकलेंगे, पर हमने संघर्ष तो नहीं छोड़ा ना सर, हम मैदान के अंदर है ना, हमने हथियार नीचे किए, हमारा संघर्ष जारी है। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो एक दिन में कैसे कर दे, मैं कहूँ कि मैं चांद को तो तोड़ के ला दूँ या मेरे पास में कोई जादू की छड़ी हो तो घुमाते ही सबके अकाउंट भर दूँ, नहीं नहीं सर हमारा काम है संघर्ष करना, हम संघर्ष कर रहे हैं, फल देना नहीं देना ये तो गर्व की बात है, आगे क्या लड़ाई कब तक आखिर ये चलती रहेगी इसी तरीके से। सर जब तक माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बढ़ती।